हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी ब्लैंकेट बनाएंगे, वुलन ब्लैंकेट बनाएंगे। कार्डबोर्ड की हेल्प से हम इसको बनाने वाले हैं। बहुत क्विक एंड इजी है इसको बनाना। सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए, वूल, सीजर और कार्डबोर्ड। तो देखिए, इस ब्लैंकेट को आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने पेट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 22 सेंटीमीटर उसकी विड्थ ली है और 27 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ली है। और जो भी हम यहाँ पे आपकी लेंथ लेंगे उसकी डबल हमारी ब्लैंकेट बनेगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने थिक वूल को लिया है। चंकी वूल या थिक वूल को हमको लेना है। और अगर आप इसके आपके पास ये नहीं है, आप नॉर्मल वूल यूज़ करना चाहें, तो आपको 2 या 3 स्ट्रैंड्स को लेना पड़ेगा। और इस तरीके से देखिए, हमने अपनी वूल को बांधना है कार्डबोर्ड में इस तरीके से। ऐसे नॉट लगाएंगे जो बाद में ओपन हो जाए, हमको बाद में ओपन करनी है। तो इस तरीके से मैं बांधती जाऊंगी। आपके ब्लैंकेट के हिसाब से आपको इसको, इन स्ट्रैंड्स को बांधना है। कम ज़्यादा कर सकते हैं कार्डबोर्ड के साइज़ के हिसाब से। आपको बड़ी ब्लैंकेट बनानी है, थोड़ा बड़ा साइज़ लें। छोटी बनानी है, छोटा साइज़ लें। उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कार्डबोर्ड के साइज़ को, और उसी हिसाब से स्ट्रैंड्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमने इवन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को लेना है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैं रैप करती जाऊँगी वूल के स्ट्रैंड्स को, इस तरीके से बांधती जाऊँगी और एंड में साइड में नॉट लगाऊँगी जो बाद में ईजिली ओपन हो जाए। डिस्टेंस हमने रखना है अप्रॉक्स सेम दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने बांधते जाना है। एकदम इजी मेथड है, बहुत क्विक है, बहुत इजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। विंटर सीज़न तो आने ही वाला है, तो चाहे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं, चाहे आप अपने बेबी के लिए बनाएं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैंने 10 स्ट्रैंड्स को ले लिया है और अब हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट रेडी है। अब हम इसको देखिए, वूल का मैंने लिया, यहाँ पर हमने नॉट लगानी है। एक एंड पे नॉट लगा देनी है अच्छे से, जिससे वो ओपन नहीं हो। और एक्सेस वूल को कट कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम अपनी ब्लैंकेट को बुनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये वूल को लिया, इस तरीके से डबल करते हुए फर्स्ट स्ट्रैंड के नीचे से निकाला। ये हमारी नॉट बन गई। इसको मैंने फिंगर से बीच के लिया और जो हमारी वूल थी उसको बीच से निकाला। अब मैं इसको दूसरे स्ट्रैंड के नीचे से ले गई, फिर बीच से मैंने वूल को लिया, इस तरीके से निकाला, फिर उसके नेक्स्ट नीचे लेके गई, फिर फिंगर के बीच में गैप बना के वूल को बीच से निकाला, फिर दूसरे स्ट्रैंड के नीचे लेके गई, फिर मैंने बीच वाले गैप में वूल को लिया और इसको बुना। तो देखिए, आई होप कि आपको मैं समझा पा रही हूँ ठीक से। एकदम ईजी है और इस तरीके से आपने इस ब्लैंकेट को बुनना है। बहुत क्विक मेथड है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें। इस तरीके से सभी स्ट्रैंड्स के नीचे से निकालते जाना है और फिर जो हमारी वूल का धागा है उसको बीच से निकालते हुए इसको बुनना है। तो यहाँ पे देखिए, एक हो गया। अब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो तभी हमारी जो ये ब्लैंकेट है वो डबल बनती है। जितना मेरा कार्डबोर्ड का साइज़ है उससे डबल साइज़ की ये ब्लैंकेट बनेगी। अब देखिए, बैकवर्ड्स मैं जा रही हूँ। उसको नीचे से लेके गई, फिर बीच से निकाला, फिर नीचे से लेके गई, बीच से निकाल के बुना, फिर लेके गई नीचे से, बीच से निकाल के बुना। और इस तरीके से यहाँ पे भी मैं सारे स्ट्रैंड्स में यही करूँगी। नीचे से लेके जाना है, फिर बीच से निकालना है और इस तरीके से ये ब्लैंकेट जो है वो हमारी बुनती है। इसका पैटर्न भी बहुत ही सुंदर बनता है। तो यहाँ देखिए, स्ट्रैंड ख़त्म हो गए। अब हम अपनी दूसरी लाइन बनाएंगे। तो एकदम इजी है, इसको नीचे से ले इस तरीके से, फिर वो जो वूल का स्ट्रैंड है उसको बीच से निकालते हुए बुनते जाएं। और अब मैं वापस जा रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं दूसरी साइड से यहाँ तक आई, अब मैं यहाँ से दूसरी साइड जाऊँगी, फिर रिटर्न आऊँगी और इस तरीके से मैं ये अपनी ब्लैंकेट को बुनूँगी। और इस तरीके से देखिए, आपने बस इस स्ट्रैंड को नीचे से निकालते जाना है और इसको बुनते जाना है। अब यहाँ से अगेन मैं दूसरी साइड जाऊँगी। दोनों के बीच में गैप है तो आप उसको शिफ्ट करके इस साथ में कर लें, जिससे गैप ना रहे। फिर दूसरी साइड जाना है मैंने। अब अगेन यहाँ पे बुनना है और इस तरीके से अब मैं इसको बुनूंगी।
तो इस तरीके से देखिए, ये एकदम इजी क्विक मेथड है ब्लैंकेट बनाने का। आपको बड़ा साइज़ बनाना है, बड़ा कार्डबोर्ड ले लें, छोटा साइज़ बनाना है, छोटा ले लें। आप अपने पेट के लिए बना रहे हैं, आप अपनी डॉल के लिए बना रहे हैं, हम लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए भी हम बना सकते हैं, बेबी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से बस हमने इस ब्लैंकेट को बुनते जाना है और दोनों को आपस में हमने क्लोज रखना है, क्योंकि गैप हमारा नहीं होना चाहिए। बस इसी तरीके से अगेन मैं इसको रिटर्न लेके जाऊंगी, अगेन स्ट्रैंड को नीचे से निकालूंगी और अगेन उसको आगे आगे बढ़ाती जाऊंगी और बुनती जाऊंगी। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि आपको थिक वूल लेनी है, और अगर आपके पास ये थिक वूल ना हो तो आप सिंपल वूल के 2 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड लेके बनाए। नहीं तो क्या होगा, आपकी ब्लैंकेट में गैप रहेगा बीच बीच में, तो आपकी जो ब्लैंकेट है वो अच्छी नहीं लगेगी। हमको इसमें गैप नहीं रखना है लाइंस के बीच में, उसको क्लोज रखना है और थोड़ी सी थिक हमने वूल इस यूज़ करनी है, और नहीं थिक वूल है तो 2 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड लेके नॉर्मल वूल से बनाना है, तो ही ये ब्लैंकेट आपका अच्छा बनेगा। नहीं तो इसका लुक भी और इसकी जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं रहेगा अगर ज़्यादा हमारा बीच में गैप्स रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आपने बस इसको बनाते जाना है, एकदम क्विक है, क्विक मेथड है ये बनाने का, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल निटेड ब्लैंकेट जैसा लुक आता है। और निटेड ब्लैंकेट बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो है वो हमारा एकदम क्विक है, और बहुत सारे लोगों को निटिंग भी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती अच्छे से, तो हम इस मेथड से इसको बना सकते हैं। विंटर्स तो अब आ ही रहे हैं, एकदम आने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं ट्राई करूँगी आपके सजेशंस को फॉलो करने की, आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। तो इस तरीके से हमने इसको बनाते जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट्स में ये बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ब्लैंकेट जो है ये बन चुकी है, इतना साइज़ मुझे चाहिए। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हमको धागे को छोड़ना है, इस तरह मैंने कट किया ये जो हमारा फंदा था, और इसको इस तरीके से सेंटर में लेके गई तो नॉट हमारी लग गई। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसको डबल सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक और नॉट लगा रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल ही ओपन नहीं होगा, और इस तरीके से टाइट कर देना है, एक्सेस वूल को हमने कट कर देना है। तो देखिए पैटर्न हमारा एकदम रेडी है, और देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइड में बांधा था इसको हम ओपन करेंगे। तो हमने इसीलिए बांधा था ताकि ये इजीली ओपन हो जाए, तो हमने इसको ओपन करना है, और सारे जो भी हमारे वूल के स्ट्रैंड्स हैं सबको हमने ओपन करना है, क्योंकि हमने ऐसे बांधा था इजीली ओपन हो जाए, तो ये इजीली ओपन हो रहे हैं। डबल नॉट लगाएंगे तो ओपन करने में डिफिकल्टी आएगी, और दूसरी साइड से हमने कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने केयरफुली कट करना है, और अभी हमारी ब्लैंकेट जो है वो देखिए डबल साइज की बन गई है। कितना क्विक है और कितना अच्छा साइज और कितनी ब्यूटीफुल ये लग रही है। अब हमने क्या करना है, बस जो साइड के स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में दो दो को लेके नॉट लगानी है। तो देखिए इसलिए हमने इवन स्ट्रैंड लिए थे, क्योंकि हमने दो दो को पकड़ के नॉट लगानी है, तो इवन स्ट्रैंड होने ज़रूरी है। बस इस तरीके से आपस में डबल नॉट लगाते जाएं। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ, अच्छी लग रही है आपको ये वीडियो। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही यूनिक मेथड से इस ब्लैंकेट को बनाया, और बहुत ही अच्छा इसका लुक भी आता है। डबल साइज की ये बनती है, जितना कार्डबोर्ड का साइज है उससे डबल ये बनेगी, तो बहुत ही इजी है ये, आप ट्राई तो इसको ज़रूर करके देखें। तो देखिए डबल नॉट लगाते जाएं, एक साइड से हमने लगा ली, अब हम दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगाई थी तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रैंड्स थोड़े लंबे हैं, उनको हम एंड में कट कर देंगे, और इस तरीके से हम डबल नॉट लगाते जाएं। अगर आपको दोनों साइड ऐसे स्ट्रैंड्स छोड़ने हैं तो आप दूसरी साइड भी
ज़्यादा स्ट्रैंड रखें, चौड़ाई जो है कार्डबोर्ड की ज़्यादा रखें जिससे कि स्ट्रैंड ज़्यादा बचे। लेकिन मुझे ये स्ट्रैंड्स नहीं चाहिए तो मैं इनको कट करने वाली हूँ। दो दो को लेके नॉट लगाते जाएं और अब हमारे जो भी ये एक्सेस स्ट्रैंड है इनको हम कट करेंगे। तो देखिए स्ट्रैंड्स हमारे कट हो गए एकदम, हमारी ब्लैंकेट जो है वो रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए कितना अच्छा पैटर्न इसका बना है। तो आई होप आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और देखिए इस ब्लैंकेट को ज़रूर बना के देखें आप, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सॉफ्ट ब्लैंकेट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।